जय महाकाल दोस्तों, मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से आज मैं आप सबों के बीच यह 6 किस्म की हल्दियों की पहचान बता रहा हूँ। मुख्यतः यह 14 प्रकार की हल्दियाँ जो होती है, इसमें से यह जो आप सामने देख रहे हैं यह सफ़ेद हल्दी, जो कि यह बहुत ही दुर्लभ किस्म की यह नस्ल है, और यह जो देख रहे हैं सिंदूरी हल्दी, यह हरी हल्दी, और यह है पंचरंगी हल्दी। सबके कलर अलग अलग हैं, सबके गुण अलग हैं। ये नीली हल्दी, जिसे कचूर आप लोग कहते हैं, हल्की नीली में होती है, यह कचूर हल्दी, नरकचूर जिसे बोलते हैं वह। और यह जो है इसके बगल में जामुनी हल्दी, इसकी भी देखे पहचान, यह गाढ़े रंग में होती है। असल में यही असली काली हल्दी होती है। और एक काले प्रकार की आती है हल्दी, यह दो प्रकार की होती है काली हल्दी, एक इस प्रकार की, एक पूरे काले रंग की आती है, उसके भी मैं दर्शन आपको ज़रूर कराऊंगा। यह जो है बहुत तेज काम करता है। यह दक्षिणेश्वर काली मंदिर से, जो कि वहाँ के महंत जी हैं, उन लोगों से इनके बारे में ज्ञान प्राप्त हुई थी मुझे, कि इसे अगर छोटे से कण भी जामुनी हल्दी के अगर धारण आप कर लेते हैं, जो दीपावली की अमावस्या के दिन अगर इसे सिद्ध कर, तो उस इंसान को जीवन में फिर दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता, यह इतनी सिद्ध होती है। और यह जो हल्की श्याम रंग की जो हल्दी है, जिसे नरकचूर, त्वचा रोगों में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। केसरिया हल्दी जो है, इसका तिलक जो है, जो कि करने से महासम्मोहन होता है। और ये 7 प्रकार की हल्दियों का अगर मिश्रण कर इसे अपने यंत्र में धारण कर लिया जाए, तो वह इंसान जो है हर तरह के वशीकरण में मने की प्रभावशाली हो जाता है। यह हरी हल्दी देख सकते हैं, यह निरोग रखने हेतु इसे भी अपने घरों में लगाया जाता है। यह सिंदूरी हल्दी, यह जो है बहुत ही सम्मोहनकारक, और यह सफ़ेद हल्दी है। और एक पीली और आंबा मैंने ही डाला हूँ। आंबा हल्दी अलग होती है, पीली हल्दी वो भी है, और काली प्रकार की एक आती है, एक दो प्रकार की लता हल्दियाँ होती है, और भी 2-3 किस्म होते हैं, पर मैंने मुख्यतः 14 ही अभी तक देखा है। यह इसकी गिनती होती है 17 या 18 किस्म की हल्दियों तक। तो सब हल्दियों का अलग अलग गुण होता है, जो कि हम लोग इसका तांत्रिक प्रयोग में उपयोग करते हैं, और कुछ औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो हरी हल्दी है, ये सर्प विष में बहुत ही कारगर हल्दी है, सर्प विष चिकित्सा। और पंचरंगी हल्दी है, जो भगवान बजरंगबली को बहुत ही प्रिय है, जो कि पंचमुखी हनुमान का स्त्रोत, पंचमुखी कवच का पाठ करके इसे अगर धारण कर लिया जाए, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तांत्रिक हो, चाहे किसी प्रकार का पितृ दोष हो, वो नहीं लगता। तो यह हमारा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे, तो मैं तो कभी कहता नहीं हूँ कि आप लाइक कीजिए चाहे सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब। जो ना करें उनके लिए भी जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। धन्यवाद।